हेलो फ्रेंड, आई एम शान मलिक फ्रॉम ए जेड बी मुल्तान। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीडर मशीन के बारे में, जिसकी मदद से आप मुख्तलिफ किस्म का बीज लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि ऐसी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, सबसे पहले आपको ले चलते हैं इसकी वर्किंग वीडियो की जानिब, ताकि आप देख सकें ये मशीन किस तरीके से काम करती है। बाद में बात करेंगे इसके मॉडल की और आपको ये बताएंगे कि इस मशीन के साथ आपको क्या क्या मिल सकता है और कौन कौन सा बीज लगा। तो नाज़रीन, आपने इसकी वर्किंग वीडियो भी देख ली, यकीनन इसकी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वर्किंग वीडियो देखने के बाद सबसे पहले बात करते हैं इसके मॉडल की। मॉडल AZB666 यानी कि 666 इसका मॉडल है, ओलंपिया, AZB ओलंपिया। इस सीडर मशीन के साथ आपको मिलती हैं काफ़ी सारी आइटम, यानी कि मुकम्मल किट। अब थोड़ा सा क्लोजअप लेके आपको बताते हैं कि इस मशीन के साथ आखिर है क्या क्या। इस मशीन की मुकम्मल किट में आपको एक अदद मिलेगा मुकम्मल फ्रेम, कुछ अदद स्प्रिंग, कुछ अदद पेच, कुछ अदद वार्शलें, इवन के इस मशीन के साथ एक पेच कस भी दिया गया, जिसकी मदद से आप उसको रिप्लेस कर सकें। ये एडजस्टमेंट किट है, इसमें मुकम्मल स्पेस है, साइज को कम या ज्यादा करने के आप 7 इंच 5 इंच 6 इंच इस सीडर को एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ में कुछ डिंगे दी हुई है, यानी कि 11 किस्म की डिंगे है, 10 किस्म की आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। एक डिंग मशीन के अंदर फिट हुई है, इस डिंग की मदद से आप बीज के साइज को सेट कर सकते हैं। यानी कि आपने मकई का बीज लगाना हो तो मकई वाली डिंग लगाएंगे, मूंगफली का बीज लगाना हो तो मूंगफली वाली डिंग लगाएंगे। इस डिंगों के ऊपर नंबरिंग दी हुई है, नंबरिंग के हिसाब से आप डी को रिप्लेस करेंगे और बीज डालेंगे इस बकेट के अंदर सीडर की और आप इस्तेमाल करेंगे। आप इस मशीन के साथ ब्रीड बीज भी लगा सकते हैं, क्योंकि दो दो किस्म की ब्रीड डिंगे भी दी हुई है, जिसकी मदद से आप ब्रीड बीज लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो एक आपको रूलर नजर आ रहा होगा, जो कि व्हील है, ये मशीन के पीछे चलता रहता है। जहां पे मशीन बीज लगाती रहती है, छोड़ती रहती है, ये उसको वापस पीछे से प्रेस करता जाता है, ताकि मट्टी वापस ऊपर आ जाए। यहां पे देखेंगे तो ये फ्रेम के हैंडल के ऊपर चढ़ाने के लिए रबड़े दी गई है, और ये जो है ये भी दो दो दिए हुए हैं। ये डेक के इस जगह पे चलता है, जो भी आप बीज लगाते हैं इसका काम ये होता है कि ये बीज को फंसने नहीं देता। नाज़रीन, वैसे तो मैंने आपको मुकम्मल मालूमात फराहम कर दी है, अगर मजीद भी आपको कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, तो ये साथ में मैनुअल बुक दी गई है, बुक को फॉलो करके आप इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, थोड़ा सा सीडर को क्लोजअप लेके आपको दिखाते हैं कि ये किस क्वालिटी का बना हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी बकेट है, इसके अंदर आप बीज डालेंगे। इसकी क्वालिटी आप मुकम्मल सीडर की क्वालिटी देख सकते हैं, ये किस क्वालिटी का बना हुआ है। एक एक पेज बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनाया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके नेल है, यहाँ से बीज निकलता है। 10 नेल दिए गए हैं इस सीडर के अंदर, और यहाँ पे डई फिट होती है। यहाँ पे डई को साफ रखने के लिए एक ब्रश भी दिया हुआ है। नाज़रीन, मैंने आपको पहले भी बताया है AZB कंपनी का है, जहाँ पे AZB का नाम आ जाए वहाँ पे
क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये इसकी पैकिंग है और इस तरीके से ये फिट होता है जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। मज़ीद मालूमात या अपडेट के लिए आप अपनी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे रابطہ कर सकते हैं और डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमारे सेटअप पे आना चाहते हैं तो हमारा सेटअप मुल्तान चौक शहीदा के चांद कदम के फासले पे AZB के नाम से है। तो नाज़रीन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह निगेबान।